बाड़मेर कोविड 19 की महामारी में लोगों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। शमशान घाटों में शवों को जलाने के लिए लगी कतारों के बीच सरहदी बाड़मेर के शमशान घाट में बाड़मेर में अस्थि कलश के लोकर अब हाउसफुल हो चुके हैं। लंबे समय से गंगा के पवित्र जल का इंतजार कर रही ये अस्थियां मोक्ष कलश योजना से हरिद्वार जाएंगी। कोविड 19 की महामारी में शमशान घाटों में जगह कम पड़ रही है और लोग अपनों के शवों को लेकर घंटों इंतजार कर रहे हैं। सरहदी बाड़मेर जिला मुख्यालय के शमशान घाट का आलम यह है कि जन अनुशासन पखवाड़े के बाद से 83 शवों को यहां जलाया गया है, जिनमें से 50% कोविड संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले थे। शमशान घाट में बाड़मेर में अस्थि कलश के लॉकर अब हाउसफुल हो चले हैं। यहाँ बने 4 लॉकर अब जब से हाउसफुल हुए हैं तो शमशान विकास समिति ने लकड़ी के बॉक्स बनाकर अस्थियों को इनमें रखने का इंतजाम किया है। शमशान विकास समिति के भैरू सिंह फुलवारिया बताते हैं कि हालात पिछले साल से भी बदतर हो चले हैं। 28 कोरोना संक्रमित सब आए और जो भी ज्यादातर जहाँ सबका दाह संस्कार किया गया है वो ज्यादातर अस्थियाँ यहीं रखे हैं, क्यों लोग कोरोना काल को देखते हुए और दिल्ली और वहाँ के हालात को देखते हुए कोई अपने अस्थियाँ नहीं ले जा रहा है। यहाँ रखने की व्यवस्था थी वो लोग पहले से ही फुल है। दूसरे नंबर यहाँ जो अस्थियाँ रखी जा रही है उसको सब सामान के साथ हमने अलग से व्यवस्था की, क्यों हम तुरंत लोकर की व्यवस्था तो नहीं कर पाए, लेकिन जो लकड़ी के संदूक है उसके अंदर व्यवस्थित नाम लिख के उसको पैकिंग करके रख रहे हैं। आने वाले समय में हम तो जब कोरोना काल आशा और विश्वास करते हैं कि कोरोना काल जब खत्म होगा तो वो परिजन यहाँ से ले जाएंगे और यहाँ जो व्यवस्था है वो दुरुस्त होगी। पहली लहर के अंदर ये हालात सेम थे, नौकर सब फुल हो चुके थे और उसके बाद में राज्य सरकार ने एक योजना मोक्ष कलश यात्रा बस वाली यात्रा की एक योजना निकाली थी, जिसके अंदर हमने भी समिति ने निवेदन किया था कि भाई यहाँ नौकर फुल हो रखे हैं और राज्य सरकार की योजना का फायदा लें और वहाँ जाके जो अस्थियाँ है वो हरिद्वार उत्तराखंड जाके उसको विसर्जन करें। कई लोगों ने इस चीज को माना और कई लोग यहाँ अस्थियाँ ले गए, लेकिन ये दूसरी लहर भयानक है। यहाँ कोरोना काल के अंदर पहली लहर के अंदर इतनी बोरियां नहीं आती थी, अभी कम टाइम में इतनी कम से कम 28 कोरोना की बोरियां यहाँ आ चुकी है, जिसे ये अस्थियां रखने का और अन्य सामान्य बोरियां भी दिन में 4-5 आ रही है, जिसे हमें जरूर दिक्कत तो हो रही है लेकिन सब सामान के साथ अस्थियों का समय आने पर परिजन विसर्जन कर पाएंगे। लेकिन शमशान विकास समिति उनकी भावना को समझते हुए, सनातन धर्म के रीति रिवाज को समझते हुए सब सामान्य अस्थियों का यहाँ रखा जाता है। लंबे समय से शमशान के लॉकर में पड़ी अस्थियां हरिद्वार और गंगा के पवित्र पानी का इंतजार कर रही है। ऐसे में राजस्थान सरकार की मोक्ष कलश योजना 2020 के तहत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की नियमित एक्सप्रेस बस में हरिद्वार जाने व आने के लिए मोक्ष कलश के साथ 2 यात्रियों को निःशुल्क यात्रा की अनुमति दी गई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बाड़मेर आगार प्रबंधक ने बताया कि राजस्थान सरकार की मोक्ष कलश योजना 2020 के तहत एक अस्थि कलश के साथ हरिद्वार जाने के लिए परिवार के 2 सदस्यों को राजस्थान सरकार द्वारा रोडवेज की नियमित एक्सप्रेस बस सेवा में निःशुल्क यात्रा उपलब्ध करवाई जाएगी। बाड़मेर जिला मुख्यालय से हरिद्वार के लिए एक्सप्रेस बस का संचालन भी किया जाएगा, लेकिन आगामी 15 दिन के लॉकडाउन के बाद इस सुविधा को लोग पा पाएंगे। राज्य सरकार द्वारा चलाई गई मोक्ष कलश बस है, इसके तहत जो भी किसी की डेथ हो जाती किसी भी जिले में, वो अगर हरिद्वार नहीं ले जा पाते अपने परिजनों की अस्थियों को, तो राज्य सरकार बस के माध्यम से उन्हें निशुल्क अपना रजिस्ट्रेशन करा के उस जिले से हरिद्वार में ले जाया जा सकता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके साथ 2 व्यक्ति अलग हैं, उसके अस्थि के साथ में निशुल्क। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद ही हमें आगे की सूचना मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। तक सीटों सीट की परमिशन है जी, 1 कलश के साथ में 2 यात्री जा सकते हैं।
हाँ बिल्कुल जारी हो गए हैं, आज हमारे पास कॉपी आ गई। मोक्ष कलश योजना 2020 के तहत पूर्व की भांति निःशुल्क यात्रा के लिए पंजीयन के समय मृत व्यक्ति का पूर्ण विवरण, मृत्यु दिनांक, यात्रा के लिए परिवार के सदस्यों के नाम, उम्र, लिंग, आधार, जन आधार, मोबाइल नंबर की आवश्यक जानकारी दिया जाना अनिवार्य है। इससे संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों को साथ में रखना भी होगा। देवस्थान विभाग की गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब से सरकारी कर्मचारी एवं आयकर दाता इस सेवा के लिए अधिकृत नहीं होंगे। पंजीकर्ताओं द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी झूठी पाए जाने पर किराए के साथ जुर्माने की राशि भी वसूली जाएगी।